उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह खास पेशकश। और इस कार्यक्रम के लिए हमने मुलाकात की हल्दूचौड़ दीना की पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य पूजा बिष्ट से। नमस्कार, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और एक महिला होने के नाते चाहती हूँ हर महिला आत्मनिर्भर बने, आगे बढ़े, शिक्षित हो, अपने खुद स्टैंड लेना सीखे। और क्योंकि महिलाओं को देख के ही उनकी बेटियाँ भी अपने लिए स्टैंड लेंगी, किसी के गलत के आगे ना झुके। और मैं यही विनती करूँगी सब महिलाओं से कि सही, और सबसे बड़ी बात है कि अपने अधिकारों को जानें कि उनके अधिकार क्या हैं। जब वो अपने अधिकारों को जानेंगी तो उनको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अपने इलाके में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूजा बिष्ट कुछ प्रयास कर रही हैं, तो वो क्या प्रयास हैं आइए जानें। अभी हम लोगों के यहाँ पर समूह चलते हैं, तो मैं चाहती हूँ हर एक महिला जो जिसको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है और जो जिसकी हस्बैंड की आय है पर इतनी नहीं है कि वो उसका घर चले, उसके अपने खुद के भी खर्चे होते हैं, तो मैं चाहती हूँ वो आत्मनिर्भर बनके कुछ स्वरोजगार अपना के कुछ थोड़े पैसे, हम लोग समूह चलाते हैं तो उसमें उनके अपनी बचत होती है, किसी के हस्बैंड नहीं देते हैं, 100-200 रुपया महीना जितना भी हो वो अपना बचत करती हैं, वो उनके काम आते हैं बचत करे हुए पैसे अपने बच्चों के लिए, और कुछ उसमें से पैसे निकाल के उनको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या कुछ वो स्वरोजगार अपनाना चाहती हैं तो उसके लिए हम लोग वहाँ से फंड निकाल देते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा और रोजगार की अहम भूमिका रही है। एक शिक्षित महिला अलग अलग आयामों में ढलकर अपने जीवन में आत्मनिर्भर हो सकती है। अगर हर महिला शिक्षित होगी तो वो अपने अधिकारों को जानेगी, अब तो उसके राइट्स क्या हैं उनको जानेगी। और जितने भी अभी कई योजनाएं आती हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा, योजनाएं हैं हमारी ग्राम सभा द्वारा, योजनाएं आती हैं तो उनको वो जानेगी। अगर वो शिक्षित नहीं होगी तो वो किसी चीज़, अभी हम लोग समूह इसलिए भी बनाते हैं कि जो महिलाएं शिक्षित नहीं भी हैं तो उनको बैंक में कैसे लेना होता है, कैसे जमा करना होता है, कैसे पैसा निकालना होता है, ये सब चीज़ें हम उनको बताते हैं कि वो खुद से जाके करे, किसी पे डिपेंड ना रहे। कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब कोई महिला या फिर कोई लड़की अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाती और ऐसे में एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आती है दूरस्थ और मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा, और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने। जैसे अभी लड़कियां हैं कई बार नहीं कर पाते, किसी के बाद किसी का ड्रॉप हो जाता है, कोई नहीं पढ़ पाते, तो कई सारी योजनाएं भी हैं। अभी हमारे यहाँ पे नज़दीकी तीन पानी पे ओपन यूनिवर्सिटी है और वहाँ से कई बच्चे मास कम्युनिकेशन का कोर्स करते हैं, कई कोर्सेज़ वहाँ पे है, किसी का ड्रॉप हो जाता है, बीएड है या कोई भी कोर्सेज़ हैं वो वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जिस कई महिलाएं या बच्चे या मैं कहती हूँ लड़कियां जो नहीं कर पा रही हैं वो वहाँ से ड्रॉप करने की अपेक्षा करें, और मेरे विचार से शिक्षा लेने का कोई उम्र नहीं होती है। किसी महिला को सशक्त करने के लिए उसके परिवार की एक अहम भूमिका रहती है, चाहे वो मायका हो या ससुराल। एक महिला को कभी आगे बढ़ने से तब कोई नहीं रोक सकता है अगर उसका मायका या ससुराल वाले या हस्बैंड कोई भी उसको सपोर्ट करते हैं तो वो निडर होकर आगे बढ़ती है। लेकिन मैं ये कहती हूँ अगर सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं तो मैं फिर भी कहूँगी महिलाओं से कि वो अपने लिए सोचे, विचारे और आगे बढ़े, क्योंकि आपको देख कर ही आपकी बेटी भी सीखेगी। कि मेरे परिवार ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं है, मुझे कभी मैं कोई काम करती हूँ कभी मेरे से नहीं पूछा है कि आप ये क्यों कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, और हमेशा मुझे एक सपोर्ट, मोरल सपोर्ट मुझे हमेशा मेरे फैमिली वालों ने, चाहे मेरे वो हस्बैंड हो चाहे वो मेरे देवर हो, उन्होंने मुझे हमेशा मोरल सपोर्ट दिया है और हमेशा आगे। कुछ चीज़ें मैं ये नहीं कहती कि मैं सब कुछ जानती हूँ, पर हाँ मैं हर किसी से सीखती ज़रूर हूँ और अभी तक सीख रही हूँ और आगे भी सीखते ही रहूँगी। समाज में एक महिला के सशक्तिकरण की शुरुआत होती है उसके अपने घर परिवार से, और किस तरह से परिवार की महिलाएं आपस में एक दूसरे को प्रेरित कर एक दूसरे को सशक्त करने में अहम भूमिका निभाती है आइए जानते हैं। एज ए महिला तो मैं क्या कहूँ कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, और हम लोगों का कभी मतलब कि एक देरानी है या जेठानी है ये सोच के हमने कभी घर गृहस्थी नहीं चलाई है, हम एज ए फ्रेंड ही हम लोग रहते हैं, हर बात शेयर करते हैं।
और मैं कहीं पर भी उसको कुछ है या पूछती है या जो भी है तो मैं उसको बताती हूँ, समझाती हूँ, नहीं नहीं आई तो हर चीज़ समझाई। और वैसे वो भी अब मैं बता रही हूँ कि हर चीज़ मैं नहीं जानती हूँ, मेरे से ज़्यादा अनुभवी वो है या कुछ बातें मैं जानती हूँ, हर कोई पूर्ण रूप से अनुभवी नहीं होता है, तो हर चीज़ मुझे सीखने को मिलती है। मेरी देवरानी भी मुझे प्रेरित करती है, मैं भी बताती हूँ, और फैमिली वाले तो सपोर्ट करते ही, इसमें कोई गुंजाइश वो नहीं है, शंका नहीं है कोई भी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाइयां, और हम इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे। फिलहाल अभी हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं इतना ही कहूँगी महिलाओं से कि डरे नहीं, आगे बढ़े, आपका उज्जवल भविष्य आप सब महिलाओं का इंतजार कर रहा है। आत्मनिर्भर बने, स्वरोजगार को अपनाएं, कई योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ उठाएं। अब सबसे बड़ी बात है कि अपने अधिकारों को जानें कि आपके अधिकार क्या हैं। और एक बार मैं पुनः आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाइयाँ देती हूँ। धन्यवाद।